It's a sunny day and I decided to ride a train. मैं हूँ हवेली वसावे वाला रेलवे स्टेशन पे, जस्ट वेटिंग फॉर माई ट्रेन टू कम विद माई लगेज एंड दिस इज द सराउंडिंग एरिया. सी ये गोरों के ज़माने का बना हुआ स्टेशन है. यहाँ पे एक बोगी खड़ी है डिस्पोज्ड, और उस साइड पे दूसरे खेत है. This was my city here about 20 years ago. Just waiting for my train to come. I'm changing gears up here. जो कि पटरियों को मिलाते भी हैं. जब ट्रेन ने अपनी लेन चेंज करनी है उस वक्त इसको यूज़ करते हैं, मगर अब नहीं ये यूज़ होते. ये तकरीबन 100 ईयर्स ओल्ड सिस्टम है, अभी का अब ऐसा नहीं है. ये बिल्डिंग है और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है. बहुत लोगों को नहीं पता इसको बोलते हैं नलका. सी जीनियस. ये भी पानी पीने का एक तरीका होता है. लुक एट द काम. वाओ, गुस्सा ही ना हो जाए. मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? कैसा एक्चुअली मेरा मूड तो था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, पर यहाँ पे लोग जरा फिर इवन बहुत गौर से और बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हैं. सो आई एम जस्ट स्पॉटिंग, आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन टू कम. 4 बजे का टाइम था, अब 4:10 होने वाले हैं. लेट्स सी कब तक आती है हमारी रेलगाड़ी. दरख्त वैसे बहुत रोमांटिक है. मेरी टिकट है. मेरा नाम कहाँ था इस पर? ओ ये छोटा सा, थोड़ा सा हल्का सा उमर फारूक. अभी क्या टाइम हुआ? 4:15. 4 बजे का टाइम है वैसे. चलो कुछ नहीं होता. आई कैन से कि अगर 30 मिनट्स में भी आ जाती है ट्रेन तो इट विल बी गुड. 30 मिनट्स के मार्जिन में भी आई थिंक सो कि आ ही रही है, क्योंकि इसीलिए लोग जो हैं, सी वी गाइज हैव सिक्स सेंस. अभी ट्रेन पता नहीं किस स्टेशन पे है, मगर हम लोगों ने पहले से ही आइडिया हो गया कि ट्रेन आ रही है, और हम लोग पटरी के पास जाके खड़ा होना शुरू हो गए हैं. वी आर सच एन एडवेंचरस नेशन, यू नो. अच्छा जी, 1, 2, 8 25 कहाँ पे है यार? ये तो तेजगाम नहीं थी, मुझे था कि शायद तेजगाम होगी तो उससे फ़र्क पड़ेगा. बट लेट मी जस्ट फाइंड माई सीट. ये सीट मिल रही है, होपफुली. मिल तो नहीं रही, खुद ही बैठ रहा हूँ साफ करके. बाकी देखते हैं क्या बनता. चलो एक्सपीरियंस ही सही. कंडीशन कुछ इतनी बुरी भी नहीं, सिर्फ सफाई होने वाली. ये जितना भी एरिया है ये सारा फ्यूडल लॉज का है, और जो हमारे मिनिस्टर थे कश्मीर के, मियां मंजूर अहमद भट्टू, उन सब के. ठीक है. सो वैसे सीनरी अच्छी है. तो अगर आपने इस तरह की सीट के ऊपर बैठ के सफ़र करना है, यू आर मोस्ट वेलकम. मुझे था कि शायद हम तेजगाम में बैठेंगे, क्योंकि तेजगाम की सर्विस क्वालिटी कुछ थोड़ी सी बेटर है, मगर ये तो कोई और ही है. एनी हाउ, सफ़र है भाई, करना तो पड़ेगा ना. चल रहे हैं, ये अच्छी बात है. मतलब कम से कम ट्रेन में बिजली पूरी है. बुल के अंदर बिजली पूरी ना हो, ट्रेन के अंदर बिजली पूरी है. और वी आर गेटिंग सम स्पीड नाउ. ये
ये भाई ने सिर्फ मूव उधर इसलिए मोड़ा हुआ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे सामने वाली सीट पे ये है। दोबारा नहीं करूँगा ऐसा, कैमरा लड़ी ना पड़े। सीट पे बैठे रहने से अच्छा है बंदा बोगी में वॉक कर ले। आगे से तो बंद है, पीछे देखते हैं क्या है। ऐसा देश है मेरा। इस टाइम कोई 40 की स्पीड से जा रही है, 60 की स्पीड होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे AC स्टैंडर्ड मिल जाए, जो टिकट है मेरी। लेट्स सी मिलती है कि नहीं, नहीं तो फिर किसी ऐसे खाने में बोगी में चढ़ जाएंगे। ये अब पता चला कि यस सी आई एम लविंग इट। वो देसी थी, ये AC है। ऑलराइट, फाइनली आई मैनेज्ड टू गेट अ विंडो सीट, ठीक है। बट इसकी क्वालिटी वैसी है, सिर्फ ये कि इस पर सोफा एंड AC भी चल रहा है, इट्स गुड। लेट्स सी अब सफ़र कैसा गुजरता। मगर अभी भी ये मैं अपनी सीट पर नहीं बैठा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे मुश्किल है अपनी सीट तलाश करने में, बिकॉज देर आर नो मैप्स, ऑल देर आर सम मैप्स बट इसके ऊपर कुछ पता नहीं चल रहा। एनी हाउ लेट्स जस्ट एंजॉय द सीनरी। ये इसकी मैक्स स्पीड है। We are racing with the sun. जैसे सूरज एक घंटे में 1000 miles चलता है ना, वैसे ये ट्रेन एक घंटे में 1 mile चलती है। चलो 10 mile लगा लो यार, मगर ये इसकी मैक्स स्पीड है। क्वाइट एंजॉयबल। Sometime I've just ordered my cup of tea. देखो enjoy करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको रख नहीं सकता हूँ, नहीं तो ये गिर जाएगा। चलो जी, आप उतनी देर व्यू देखें जितनी देर मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। सफ़र दोबारा शुरू हुआ। सी मैंने सही कहा था ना कि अगर किसी ने ये सोचना हो कि क्या सोचे वो, मतलब कभी कभी इंसान ये भी सोचता है ना कि वो क्या सोचे, तो और उसके लिए उसको टाइम चाहिए, तो वो ट्रेन का सफ़र कर सकता है पाकिस्तान में। बोगनवेलिया वैसे मेरी फेवरेट है। अब मैं देखता हूँ कि हम एक ट्रेन में बैठे हुए कैमरे से कितनी दूर तक देख सकते हैं, मतलब जूम कितना हो सकता है। वही और कोई एक्टिविटी मिल नहीं रही, तो उसके लिए स्पॉटिंग के साथ साथ। ऑलराइट जी, मैंने ऑर्डर किया खाना, लेट्स सी क्या आता है। बाय द वे ये डाइनिंग एरिया है। अच्छा साफ है, बस ठीक ही है, साफ है यार, साफ है। यस कह रहा हूँ ना, साफ है। द फूड इज वेटिंग फॉर मी। खाना बस ठीक था। नाउ आई एम बैक ऑन माई सीट, एक्चुअली जस्ट चिलिंग। और टाइम हो चुका है 8:15 और अभी कसूर क्रॉस किया, अब ड्राइवन स्टेशन होगा, इसके बाद फिर होपफुली लाहौर। आई थिंक सो कि 9 बजे तक लाहौर पहुंच जाऊंगा मैं। बाहर अब रात हो चुकी है और अंधेरा है, और अंदर कुछ ऐसे है। ट्रेन की बिजली पूरी है वैसे,
क्या अगर आपने ट्रेन का खाना खा लिया है तो फिर मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा, ओके? सो डू कीप दिस इन माइंड व्हाइल ईटिंग समथिंग इन पाकिस्तान रेलवे। जो साइन में जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ, इसको फोकस करने का सिर्फ एक मकसद है और आपको ये बताना कि इस साइन की जगह को इस्तेमाल करना इट्स जस्ट लाइक मिशन इम्पॉसिबल 7 कंसीडर होगा, ठीक है? तो बाकी बस फिर अगर आप कंट्रोल कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। Actually, you know what? I'm getting bored at this point. और इस वजह से मैं ये बहकी बातें कर रहा हूँ। Let's see, यहाँ कितनी देर रुकते हैं। Well, मेरे कुछ new friends भी बने हैं। Let me focus on them. Oh, वो थोड़े से shy हैं। बैटरी लो हो रही थी सो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या ये वर्किंग है या नहीं। ओह यस, वाओ, इट्स वर्किंग एंड इट्स चार्जिंग नाउ। डूड, गुड सर्विस। वेल, आई विल गिव अबाउट 60 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। इतने भी बुरे नहीं है यार, मतलब इतनी सर्विस भी बुरी नहीं है। कहने का मकसद ये है कुछ खामियां हम में भी हैं। अब मैं यहाँ पे किसी को ऑडिट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गिविंग माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? रेलवे की सर्विस तो सर्विस, हम भी वैसे उनसे कम नहीं है, ठीक है? सो अब सारा कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो नहीं ना होती, हमें भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, फिर ही तो तब्दीली आएगी। वैसे ये मेरा कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था, बस दुख होता है यार, इसलिए इस किस्म के जुमले मुँह से निकलते हैं। राइट जी, आई हैव रीच्ड लाहौर कोट लखपत स्टेशन और यहाँ पे यू नो व्हाट, ट्रेन के साथ सफ़र, ट्रेन पे सफ़र करने का ये फ़ायदा कि आवाम पहले से ही आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होती है। ओके जी, आई हैव रीच्ड लाहौर नाउ। मैं स्टेशन पे नहीं गया, मैंने कोट लखपत पे चूज़ किया उतरना, बिकॉज यहाँ से घर नज़दीक है, यहाँ से एग्ज़िट है। ओके, एंड लेट्स कॉल आवर उबर नाउ। It's Uber time now. My Uber is here now. चांद भी हमारे साथ सफर कर रहा है। We reach home now. Let me get my bag. All right, Allah Hafiz. Thank you so much. Rating दे दूंगा मैं। Allah Hafiz.